तो जो ये आप रूट देख रहे हो ये पुराने जमाने में केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के लिए यूज होता था। तो लोग फाइनली हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश की गर्तांग गली। अभी थोड़ी देर पहले मैं हीट स्ट्रोक खा के गिर गया था। ये बहुत गलत डिसीजन लिया हमने जो हम यहाँ दिन दोपहर आए। तो लोग देखो ये रहा झरना। अभी हम पहुंचे हैं ऋषिकेश और ये है नीर झरने का रास्ता। पता नहीं क्यों उस वाटरफॉल में जा रहे हैं लोग और यहाँ पे लगा हुआ है भयानक जाम, मतलब बहुत ही तगड़ा जाम। जय हिंद जय केदार भाव लोग, स्वागत है आपका केदारवासी के व्लॉग्स में, एक और बहुत ही जबरदस्त और आउट ऑफ नोवेयर व्लॉग में। तो अभी हम जा रहे थे देहरादून अपने रुद्रनाथ यात्रा से वापस और रास्ते में एक वो सुना था हमने कि ऋषिकेश में एक गर्तांग गली बनी है जैसे वहाँ हरसिल में है। तो हम इतने भयंकर डिलेमा में थे। हाँ भाई बता। हम 10-15 बार हमने सोचा जाए नहीं जाए। और इसका मेन रीज़न क्या था? गर्मी धूप हालत खराब है। बट फिर आज मैंने सागर को बोला आज डिसीजन करते हैं, आज का ट्रैक लीडर तू, जैसे तू बोलेगा वैसे करेंगे। तो सागर ने डिसीजन लिया कि चलते हैं। तो ये कई बार ऐसा लगता है ये चूल खराब भी है, कई बार लगता है कि बहुत अच्छी भी है। तो फिलहाल ये हम रास्ते में कोडियाला के पास में कहीं से एक छोटा सा ट्रेल निकल रहा है नीचे की तरफ और उस पर जा रहे हैं हम। 3 किलोमीटर का बोला ना उसने, 3 किलोमीटर का वो नीचे उधर जाना। हमने नीचे जाने में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जब इसी रूट पे नहा धो के जब हम ऊपर आएंगे तब जो हमारी हालत ख़राब होने वाली है बाबा लोग, बहुत ख़तरनाक होने वाला है। और धूप इतनी भयानक हो रही है, ऊपर से रुद्रनाथ ट्रैक के बाद हम थोड़ा थके हुए भी हैं, थोड़ा तो हैं यार क्योंकि धड़ करके आया और नींद भी पूरी नहीं हुई क्योंकि चौपता साइड गए वहाँ भी जाना, रात 2 बजे तक उठे रहे। तो फिलहाल ये देखो नीचे गंगा माता है, यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे। ये रूट ले आएगा हमें नीचे 3 किलोमीटर। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा तो नहीं रहेगा, शॉर्ट रहेगा, वो दिखाएंगे आपको जो भी गर्तांग गली है। बने रहो, पसीना दुख रहा अब अभिशान लग गया। अभी हम पहुंच गए ब्रिज पे, ये देखो ये है ब्रिज, नीचे माँ गंगा। बोलो हर हर गंगे, हर गंगे। आज आवाज भी तेज हो रही है लोग बहुत ताकत आ रही है उनके। तो देखो वो रूट पे जाना हमने उधर और यहाँ पे चले जाओ ठंडी हो, मजा आ रहा है। शुरुआत का होता है डिलेमा, उसके बाद तो फिर स्पीड भी तेज और कुछ तेज। तो लोग अभी यहाँ पे एक इतना मस्त ट्रेल दिखा वहाँ जाने के लिए, ये देखो। और ये रनिंग के लिए इतना बढ़िया ट्रेल है, क्यों भाई? सही है। एकदम बगल में गंगा और यहाँ पे ये दिन में दौड़ना थोड़ा टफ है गाइस। दिन में नहीं मतलब अगर अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में आएंगे तो यहाँ पे कोल्ड ब्रीज चल रही होगी और व्यू के साथ दौड़ने का तो मज़ा ही अलग है। हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे व्यूज और कोल्ड ब्रीज के साथ दौड़ा है। नहीं ज़्यादा ही कोल्ड ब्रीज के साथ, कोल्ड ब्रीज सब देखा है तो अच्छा है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि अभी तक हमने कोई कचरा नहीं देखा। तो आप भी अगर आ रहे हो यहाँ पे तो प्लीज़ कचरा मत फैलाओ। और हम जैसे आ रहे हैं देखो कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, नथिंग, ओनली फुटप्रिंट्स, नथिंग एल्स। धूप मैं ये सजेस्ट करूँगा दिन में मत आना। आप क्या सजेस्ट करोगे? सुबह या शाम? हाँ और लोग दिन में आना ये बहुत गलत डिसीजन है यार। तो जीवन में आप थोड़ा अच्छा डिसीजन लेते हो, कई बार गलत डिसीजन लेते हो। ये बहुत गलत डिसीजन लिया हमने जो हम यहाँ दिन दोपहर आए। अभी इतनी भयानक धूप हो रही है कि हालत ख़राब हो गई। और बीच में थोड़े थोड़े चढ़ाई के पैसे जो हमें रुद्रनाथ की याद दिला रहे हैं। देखो भाई कितनी गर्मी हो रही। एक तो मेरे को ऐसी गर्मी याद नहीं, हाँ ऐसी और खतरनाक दिन। रूट की थकान है गर्मी की? दोनों रूट की थकान निकली नहीं थी कि गर्मी और हो गई यार। और भाई देखो यहाँ तक चढ़ के आए, अभी यहाँ से डाउन जाना है बट फिर यही वाले पैच पे चढ़ के भी आना है। तो लोग फाइनली हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश की गर्तांग गली में और ये रहा गर्तांग गली का एंट्रेंस। ये देखो बहुत अच्छा बनाया हुआ है पूरा वुड से और आगे तक है तो आगे तक जाएंगे और इसका जो बढ़िया वाला पैच है वहां से आपको दिखाते हैं। तो अभी हम आगे हैं जो गर्तांग गली ऋषिकेश की उसका जो मेन पैच है वहाँ पे और बहुत सुंदर है लोग। ये देखो क्या बढ़िया किया हुआ है और क्या लुक आ रहा है यहाँ से, पूरे नीचे गंगा माता के दर्शन हो रहे हैं और वो आगे तक है काफ़ी, करीबन 1 किलोमीटर का पैच होगा। हाँ 1 किलोमीटर का होगा ना। तो यहाँ बीच में बस ये दीवार है, बाकी तो इस टाइप के वुडन ब्लॉक्स लगाए हुए हैं और तोता घाटी का व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ से। तो आ सकते हो आप बट दिन में बिल्कुल मत आना, दिन में इतनी भयानक गर्मी हो रही है। पीछे पे एक तालाब भी है तो उस तालाब पे भी बहुत भीड़ है तो वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो वो नीचे देखो यहाँ से जाते हैं पूरा नीचे तक, ये पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर व्यू है।
तो हेलो, गरतांग गली जो ऋषिकेश की, इसकी एक बहुत खास बात है। जब पुराने जमाने में जब केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा होती थी, और असल में तीर्थ यात्रा वो होती थी, पुराने जमाने में रोड नहीं थी, जो आप ये रोड देख रहे होंगे अभी जो बन गई, रोड नहीं थी। ये तोता घाटी में कोई मुश्किल था, बहुत बहुत मुश्किल था यहाँ पर रोड बनाना। तो जो ये आप रूट देख रहे हो, ये पुराने ज़माने में केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के लिए यूज़ होता था। यहाँ से पूरा उधर चलते चलते वो क्रॉस करते हुए फिर देवप्रयाग पहुँचते थे। तो ये पूरी वही रूट को थोड़ा रिनोवेट किया है, तो कूडोस्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट की, इतना बढ़िया सा सेटअप यहाँ पर कर दिया। तो अगर आपको देखना है केदारनाथ यात्रा का, बद्रीनाथ यात्रा का पुराना रूट, तो उस पर आप जरूर आओ, यहाँ पे देख सकते हो आप आओ। और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि एक भी सिंगल प्लास्टिक हमें नहीं दिखा है भाई, दिखा। और भी लोगों ने डस्टबिन बनाए हुए छोटे छोटे से साइड पे, वो आप बहुत यूज करिए। और वैसे तो बेसिकली अगर आप अपना कूड़ा ला रहे हैं तो उसको लेके नीचे जाइए और नीचे ही उसको डिस्पोज करिए, यहाँ पर मत छोड़िए। बट हाँ, इनकेस अगर आपको हैवी होता है, जो जनरली पता नहीं क्यों होता है लोगों को, तो वहाँ भी डाल सकते हो आप। पहले तो या तो लाओ ही मत यार, यहाँ पे आओ ऊपर से रोड से, बस एक घंटे का आओ, घूमो घामो और ऊपर जाओ। तो बस आप कर सकते हो यहाँ पे ऋषिकेश के कौड़ियाला के एकदम पास में है, तो आओ ये चीज़ें भी देखो, अपने पुराने इतिहास को जानो, बहुत अच्छा है जानने के लिए। तो बस यही है। और इस घाटी की खास बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो तोता घाटी यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले यहाँ पे इसका नाम तोता घाटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पहले रोड नहीं बन पा रही थी, तो एक तोताराम नाम का कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था। तो उस समय पे उसने ये जिम्मेदारी उठाई कि भाई चलो तुमसे नहीं बन रही, मैं रोड बनाऊंगा। तो उसने यहाँ पे पूरे पहाड़ वहाड़ काट के बीच में से वो रोड बनाई है, जो आज की डेट पे केदारनाथ बद्रीनाथ का राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो देखो, ऐसे बहुत ज़बरदस्त लोग होते थे हमारे उत्तराखंड में, हमारे भारत में, तो इन लोगों के बारे में भी हमको जानना चाहिए। बस अब कैसा आपका एक्सपीरियंस ऋषिकेश गरतांग गली में? बहुत बढ़िया। हर्षिल की गरतांग गली तो हम नहीं जा पाए, तो फिलहाल अभी यही कर पाए, तो बहुत अच्छा है। वो भी ऐसी है, ऐसी वो है। भी सही है। हाँ। उसमें बस ये है कि माउंटेन थोड़ा कोल्ड डेजर्ट वाले दिख जाते हैं। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट इसका भी व्यू बहुत सुंदर है। बस अब यहाँ से चलते हैं, नीचे पे एक वाटरफॉल है वो दिखा देता हूँ आपको। बस यही दिखाना था आपको केदारनाथ यात्रा का पुराना मार्ग। तो लोग, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है हमारा, तो मन नहीं हुआ वहाँ पे क्योंकि अभी बहुत भीड़ है। कोई गलत नहीं यार, देखो वो भी आ रहे हैं जैसे हम जा रहे हैं, तो उनका भी कोई ऐसा नहीं है कि क्यों आ रहे हैं। तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद कहीं पे जा रहे हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई और ना आए। ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी की बात होती है कि अपने आप जाओ और बाकी कोई ना है। बट हाँ, वहाँ जाके अगर गंदगी आप कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी बैड। तो आपको मैं फिलहाल वो मस्त सा झरना दिखाता हूँ। वो देखो बाबू लोग, वो नीचे है वो झरना, बहुत सुंदर लग रहा है। देखो तो लोग, देखो ये रहा झरना, वहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं, वहाँ पे मैगी वैगी बनाने के लिए भी है। तो ये गरतांग गली के पास का झरना, तो इनकेस अगर आपको नहाने का मूड है तो यहाँ पे नहाने के लिए भी वो है, अच्छा खासा झरना है और ठीक ठाक गहरा भी है, तो आप जा सकते हो। बट प्लीज़ वही रिक्वेस्ट फिर से है कि कुछ गंदगी वंदगी मत करो। अभी हम जा रहे हैं, देखो गरतांग गली को बाय बाय बोल के निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो अभी हम पहुँचे हैं ऋषिकेश, और यह है नीर झरने का रास्ता। पता नहीं क्यों उस वाटरफॉल में जा रहे हैं लोग, और यहाँ पे लगा हुआ है भयानक जाम, मतलब बहुत ही तगड़ा जाम, समझ रहे हो। ये देखो ये पागल एक फंस गया वहाँ पे, बस कैसे निकलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त जाम है, पूरा का पूरा ऋषिकेश तक जाम है। गर्म भी तो बहुत हो रहा है, गर्म तो अलग, हीट स्ट्रोक खा गया था मैं तो। अब थोड़ा यहाँ पे चलने लगा, अभी आपको दिखाते हैं आगे, बहुत भयानक जाम लगा हुआ है। अरे इतनी गर्मी हो रही है कि हमारी बाइक को भी गर्मी लग गई है, और भाई साहब बंद पड़ गए, बाइक भी स्टार्ट नहीं हुई भाई। और यहाँ जाम इतना भयानक है, देखो केदारनाथ यात्रा पे इतना भयानक जाम है, तो मत आओ भाई, अभी जून तक अवॉइड करो प्लीज़। अभी थोड़ी देर पहले मैं हीट स्ट्रोक खा के गिर गया था, है ना, बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा था, मेरे हाथ सूज गए थे पूरे के पूरे, बहुत भयानक। तो इस गर्मी में हीट स्ट्रोक भी पड़ते रहते हैं, तो देखो लगे हुए हैं, कहीं तो रुक नहीं रहा है, चले ही जा रहा है। अभी बाइक स्टार्ट करते थोड़ी देर में। गाइस, हम 2 घंटे से ऋषिकेश में ही हैं, तो सोचो बाइक पे अगर आपको इतना टाइम लग रहा है तो कार पे कितना टाइम लगेगा। तो कृपया केदारनाथ यात्रा पे आजकल ना आए, जून तक प्लीज़ घर पर रहें, कहीं और घूमें, और भी दुनिया में मंदिर हैं तो यहाँ मत आएँ कृपया, उसके बाद आप आ सकते हैं। जून तक आप हालत देख रहे हो, यहाँ गाड़ियाँ ही नहीं निकल पा रही हैं, कैसा हो गया। अब यह है ऋषिकेश, और ऋषिकेश में आप देखो कहीं पर खाली जगह नहीं है, पीछे से लेके यहीं तक पूरा जाम है, पूरा 15-16 किलोमीटर का स्ट्रेट जाम। तो लोग, वो ब्लॉग जो था उसका जो एंड हो रहा है वो 1-2 दिन बाद हो रहा है, तो होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और आपने लुक भी चेंज देख लिया होगा। तो इतनी गर्मी हो रही है, दाढ़ी को बाय बाय करना पड़ा, 2-2.5 महीने हो गए थे कटाए हुए, बट दिस लुक्स, आई एम लुकिंग यंगर। केदारनाथ का पुराना, बद्रीनाथ का पुराना रूट भी है। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक, कमेंट में बताओ कि अब इम्प्रूवमेंट हो रही है और कंसिस्टेंटली भी आ रहा है ब्लॉग। अभी हम आज है कितना है, आज 30 तारीख, तो कल हम निकल रहे ऋषिकेश और फिर ट्रैक विद केदारवासी रुद्रनाथ, तो उसका हम सोच रहे हैं कि मूवी टाइप बनाएंगे, तो होपफुली आपको पसंद आएगा।
तो बस मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय केदार।